हेलो दोस्तों, मैं हूं अमित और आप सबका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं स्पोर्ट्सशाला में। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्रिकेट बॉल्स के बारे में। और दोस्तों, कभी ना कभी तो आपने जरूर सुना होगा टू पीस और फोर पीस के बारे में। तो आज इस वीडियो में हम इसी बारे में बात करने वाले हैं कि क्या क्या अंतर है और कब आपको कौन सी बॉल यूज करनी चाहिए। और दोस्तों, एक बात आपको यहाँ पर और बताना चाहूंगा कि हमारा फेसबुक का ऑफिशियल पेज जो है वो मैंने बना दिया है, उसका लिंक आपको मिल जाएगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। दोस्तों, आप वहां जाकर पेज को जरूर से लाइक कर दीजिए और दोस्तों वहां पर आपको मिलते रहेंगे हमारे चैनल से जुड़े हुए सारे अपडेट्स। और दोस्तों, साथ ही साथ में हमने जो है इंस्टाग्राम अकाउंट भी चालू कर दिया है ऑफिशियल स्पोर्ट्सशाला का, तो आप उसको भी जरूर से फॉलो कर लीजिए इंस्टाग्राम पे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं और देखते हैं कि क्या क्या है फोर पीस और टू पीस बॉल में अंतर। दोस्तों, सबसे पहला नाम हमारे दिमाग में आता है टू पीस और फोर पीस को सुनकर कि ये क्या चीज है। तो दोस्तों, जैसा कि नाम सजेस्ट करता है, टू पीस और फोर पीस बिल्कुल वैसा ही उसका मतलब है। और दोस्तों, टू पीस का मतलब है कि हमारी जो क्रिकेट बॉल है वो बनी हुई है लेदर के दो पीसेस से, दो टुकड़ों से। और जो फोर पीस बॉल है वो बनी हुई है लेदर के चार पीसेस से। पीसेस किस तरह से होते हैं देखिए, मैं आपको दिखाता हूं। दोस्तों, यहां पर हमारे पास में है एक टू पीस बॉल और दोस्तों इसका जो कलर है वो व्हाइट है। वैसे तो जो कलर है वो कोई मैटर ज्यादा नहीं करता है, अलग अलग फॉर्मेट का कलर अलग अलग होता है। लेकिन दोस्तों, आप यहां पर देखेंगे ये जो बॉल है ये बनी हुई है लेदर के दो पीसेस से, एक पीस है यहां पर और दूसरा पीस है यहां पर, आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से। और इन दोनों पीसेस को यहां पर जोड़ा गया है और आप देख सकते हैं उसकी जो सिलाई है यहाँ पर ब्लैक कलर के धागे से की गई है और यहाँ पर व्हाइट कलर के धागे से की गई है। दोस्तों, यहाँ पर हमारे पास में है एक फोर पीस बॉल जो कि है रेड कलर में। और दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो बॉल है ये बनाई गई है लेदर के चार टुकड़ों से। आप देख सकते हैं बीच में आपको एक लाइनिंग यहाँ पर दिखाई दे रही होगी। ये जो लाइनिंग है ये बेसिकली है लेदर के दो टुकड़ों को जब जोड़ा गया था तो उनकी अंदर से सिलाई की गई थी। सिलाई आपको अभी दिखाई नहीं दे रही होगी, वो है इस बॉल के अंदर। और दोस्तों, दो पीसेस को यहाँ पर और दो पीसेस को यहाँ पर जोड़ने के बाद में उनको एक दूसरे से जोड़ने के लिए यहाँ पर जो है फाइनल सिलाई की गई है जो कि बाहर की तरफ है। आप देख सकते हैं वाइट कलर का थ्रेड यहाँ पर यूज़ किया गया है। और दोस्तों, क्योंकि इसकी जो प्रोसेस है वो थोड़ी सी लंबी हो जाती है चार पीसेस यूज़ करने के कारण, इसीलिए जो बॉल है थोड़ी सी एक्सपेंसिव भी होती है अगर हम बात करें टू पीस बॉल के कंपैरिजन में। तो दोस्तों, अगर बात करें टू पीस और फोर पीस बॉल को बनाने के तरीके के बारे में, तो दोस्तों जो टू पीस बॉल होती है उसको बनाने के लिए जो लेदर के पीसेस यूज किए जाते हैं जो कि दो पीस होते हैं वो होते हैं राउंड शेप के, यानी कि गोल आकार के। और दोस्तों, उन दोनों पीसेस को आपस में जोड़ दिया जाता है और उनके बाद में उनको सिया जाता है। और दोस्तों, वहीं अगर बात करें फोर पीस बॉल के बारे में, तो यहां पर होते हैं हमारे पास में चार पीसेस लेदर के। और दोस्तों, ये जो चार पीसेस होते हैं ये होते हैं डी शेप के कुछ इस तरीके से, और दो पीसेस को पहले जोड़ करके एक राउंड शेप बनाया जाता है और उसके बाद में दो राउंड शेप को जोड़कर एक बॉल बनाई जाती है। दोस्तों, अगर बात करें बॉल के शेप के बारे में, तो क्योंकि जो टू पीस बॉल होती है उसमें सिर्फ लेदर के दो पीसेस का यूज किया जाता है, और आप थोड़ा सा इमेजिन कर सकते हैं कि अगर दो पीसेस का यूज किया जाएगा और वो राउंड शेप के होंगे, अगर हम उनके बीच में एक मटेरियल फिल करेंगे तो हमेशा आपस में सिकुड़ने की कोशिश करेंगे। और दोस्तों, इसीलिए जो टू पीस बॉल होती है वो हमेशा आकार में थोड़ी सी जो बीच में से थोड़ी सी पतली होती है और यहाँ सीम के साइड से थोड़ी सी मोटी होती है, यानी कि जो बॉल होती है वो बिल्कुल स्फेरिकल शेप में नहीं होती, गोलाकार नहीं होती। ऐसा मोस्ट ऑफ द केसेस में होता है, मैंने ऐसा काफ़ी बार ऑब्जर्व किया है। वहीं अगर हम बात करें फोर पीसेस बॉल की, तो ये जो बॉल है फोर पीस ये काफ़ी अच्छे से एक राउंड शेप में आ जाती है और यही इसका फायदा है। दोस्तों, अगर बात करें इन दोनों बॉल्स के परफॉर्मेंस के बारे में, तो इन दोनों का जो बिहेवियर है वो काफ़ी अलग होता है खेलने के दौरान। अगर हम बात करें टू पीस बॉल के बारे में, तो इस बॉल से हमें ज़्यादा स्विंग मिलती है, लेकिन दोस्तों यहाँ पर दिक्कत ये आती है कि इसकी जो ड्यूरेबिलिटी है वो काफ़ी कम होती है और ये जो बॉल है काफ़ी जल्दी पुरानी हो जाती है। दोस्तों, वहीं अगर बात करें फोर पीस बॉल के बारे में, तो ये जो बॉल है इससे स्विंग भले ही हमें थोड़ा कम मिलता है, लेकिन इसकी जो ड्यूरेबिलिटी होती है वो थोड़ी ज़्यादा होती है। ये बॉल जो है थोड़ा ज़्यादा चलती है और साथ ही साथ में हमें इससे एक अच्छा परफॉर्मेंस भी मिलता है। दोस्तों, अब हमारे पास में जो आखिरी सवाल रह जाता है वो ये है कि हमें किस बॉल का सिलेक्शन करना चाहिए, कौन सी बॉल का यूज हमें करना चाहिए, क्या हमें टू पीस बॉल लेनी चाहिए या फिर फोर पीस बॉल लेनी चाहिए। दोस्तों, आपको यहां पर बताना चाहूंगा कि जितने भी इंटरनेशनल मैचेस होते हैं उन सभी में यूज किया जाता है फोर पीस बॉल का, और सारे जो फर्स्ट क्लास क्रिकेट होता है जितने भी मैचेस होते हैं सभी में यूज किया जाता है फोर पीस बॉल का, भले ही वो रेड बॉल हो या फिर व्हाइट बॉल हो या फिर पिंक बॉल हो, कलर जो है वो मैटर नहीं करता, अलग अलग फॉर्मेट के हिसाब से अलग अलग कलर का यूज किया जाता है। वहीं दोस्तों, जो टू पीस बॉल होती है इसका यूज किया जाता है मेनली ट्रेनिंग पर्पज के लिए, जब आप क्रिकेट खेलना सीख रहे हो, आप
अपने शॉट्स को इम्प्रूव कर रहे हैं और आप अपनी जो स्किल्स हैं खेलने की वो सुधार रहे हैं, उस वक्त आप यूज़ कर सकते हैं इस टू पीस बॉल का। क्योंकि दोस्तों ये जो बॉल है काफ़ी जल्दी पुरानी हो जाती है और हमारे कुछ खास काम की नहीं रहती जब हम खेल रहे होते हैं प्रोफेशनल क्रिकेट। दोस्तों अगर आप अपने शॉट्स को इम्प्रूव कर रहे हैं तो आप वहाँ पर यूज़ कर सकते हैं एक टू पीस बॉल का। लेकिन दोस्तों अगर आप अपनी टीम के लिए खेल रहे हैं, टीम के साथ खेल रहे हैं, कोई मैच हो रहा है, तो वहाँ पर आपको यूज़ करना चाहिए सिर्फ एक फोर पीस बॉल का। क्योंकि ये जो बॉल है इसकी ड्यूरेबिलिटी काफ़ी अच्छी होती है और इसका जो परफॉर्मेंस है वो भी काफ़ी अच्छा होता है अगर हम बात करें टू पीस बॉल से। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको फोर पीस और टू पीस बॉल में जो अंतर है वो समझ में आ गया होगा। और दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारे फेसबुक पेज को लाइक नहीं किया है तो आप ज़रूर से कर दीजिए। अगर आपने इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो नहीं किया तो वो भी ज़रूर से कर लीजिए, लिंक आपको मिल जाएगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। तो दोस्तों आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे ज़रूर से लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल स्पोर्ट्सशाला को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।